लाइट को भी अभी जाना था। अरे राजू जरा देख तो ये लाइट फिर से चले, क्या मसला है? सलीम भाई लगता है ट्रांसफार्मर में कुछ गड़बड़ है। अरे पिछले हफ्ते तो ट्रांसफार्मर उड़ा था, फिर उड़ गया। वो सब सबमिट हो गया ना हनुमान? और ये साइबर अपग्रेडेशन का तो लेटर था। उस हैकर का रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है। अरे उसका नाम है मियां। सर आप छुट्टी पर हैं? सर वेलकम ऑन बोर्ड, लेट मी हेल्प यू। थैंक्स अहमद, यू मोस्ट वेलकम। हाँ तो सर अब हम ये लाइन काट रहे हैं और पूरी टीम ने ये फैसला कर लिया है कि आने वाले एक हफ्ते तक हम आपका कोई कॉल नहीं लेंगे। नहीं। इतनी जरूरत का ऑर्डर तो तुम ही दे सकते हो हनुमान। अब सर जब बॉस खुद का ध्यान ना रखे तो मुलाजिम को जरूरत करनी पड़ती है। ठीक है भाई, अब आपके लिए हैव अ सेफ जर्नी सर। जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू। चलिए शंभू जी टेबल के ऊपर से ये फाइल हल्का कर देते हैं अभी। अरे सर हमें तो गठियां हैं हाथों में। सर मैं तो एग्जाम के पेपर्स भी ठीक से नहीं लिखे सर। यार ये बात तो है, ये पेपर वर्क मेरे बस का भी नहीं है। पता नहीं अली सर कैसे कर लेते थे। कोई केस मिल जाता ना तो। हेलो, क्या बॉम्ब ब्लास्ट? हेलो सर, सम कोल्ड ड्रिंक, वाटर? प्लेन वाटर। प्लेन वाटर, एनीथिंग फॉर यू मैम? नो थैंक्स। नथिंग? योर प्लेन वाटर। थैंक यू। सर आप? नहीं, मुझे तुम लोगों का पानी तक नहीं पीना। सर ये साक्षी, ये राजीव बॉम्ब स्क्वाड से। हेलो सर। ये किस तरह का बॉम्ब था पता चला? सर बॉम्ब स्पेशल नहीं था, पर बॉम्ब का पावर सोर्स स्पेशल था। पता नहीं कैसे पर ये बॉम्ब इलेक्ट्रिसिटी से ट्रिगर हुआ था। एंड सर बहुत ही पावरफुल बॉम्ब था ये। मगर जैन सर। हाँ सर, ठीक है सर, हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। मुझे तुम लोगों का पानी तक नहीं पीना। भाई साहब आपको प्लेन के पानी में कोई दिक्कत है पीने में? पानी से नहीं, उस ठीक है। एक मिनट, क्या क्या हुआ? हाँ अब ठीक है। क्या प्लांट किया? क्या बात कर रहे हो? 4-5-6 बजे तीनों ब्लास्ट होंगे। हजारों लोग मर जाएंगे। बॉम्ब की लोकेशन कहाँ है?
अरे कोई है? अच्छा, लोकेशन कहाँ है बम के? सर, बम का लोकेशन? सर, व्हाट हैपेंड सर? कोई डॉक्टर इधर? जा देखिए। श्योर। लोकेशन सर। इस सर इमरजेंसी सिचुएशन हमारे बीच में डॉक्टर हैं क्या? आई रिपीट, यदि कोई डॉक्टर है तो प्लीज सामने आए। एक्सक्यूज मी सर। अहमद, इनको प्लेन के पीछे वाले हिस्से में लेके जाओ। बट सर वो कुछ बोलो मत, पब्लिक में पैनिक फैल जाएगा, तुम इसे लेके जाओ। श्योर सर। अरुण प्लीज हेल्प। या प्लीज इनको पीछे लेटाइए, उधर ले जाइए। एवरीथिंग इज ओके, प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। क्या हुआ, मर गया क्या? नहीं नहीं, अब कल ही बेहोश हुआ है, इनको फिट है। आप लोग बचाना प्लीज, एक्सक्यूज मी एक मिनट जरा मुझे। आप अंदर से मैं से मुझे लखनऊ के कमिश्नर से अभी बात करनी है, राइट डाउन। इस बॉम्ब ब्लास्ट के किसी भी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। मेरे ख्याल से इसमें लोकल लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। मुझे इस केस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। हनुमान, तुम इस केस के इन्वेस्टिगेशन को लीड करोगे। बॉम्ब स्क्वाड और लोकल पुलिस तुम्हारे साथ काम करेगी। Yes, sir. सर, अशफाक अली खान का कॉल है सर, ब्लास्ट के बारे में। मैंने आपको कॉल ट्रांसफर किया। ओके सर। अली सर तो छुट्टी पे क्या बता? हेलो अली, तुम इस समय स्पीकर पे हो। सर, प्लेन के अंदर एक आदमी की मौत हो गई है। मरने से पहले उसने मुझे बताया कि लखनऊ में 3 बॉम्ब प्लांट हुए हैं, तो 4, 5 और 6 बजे फटेंगे। लेकिन पहला ब्लास्ट तो हो चुका है। What? क्या होता है? मतलब सर, 5 बजे का भी? अरे सर, ये उस आदमी की मौत हुई कैसे? उसने मरने से पहले कुछ कहा था? उसने कहा था 3 जगह बॉम्ब है, पूरे शहर में तबाही फैलने वाली है, हजारों लाखों लोग मरेंगे। मैं उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बाकी के 2 बॉम्ब ढूंढना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है वो बाकी 2 बॉम्ब भी ऐसी जगह फटेंगे जहां पर बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा लोग होंगे। सर, हम लोकेशन को नैरो डाउन करते हैं। हाँ। अली, तुम उस आदमी का सामान फोन सब कुछ चेक करो। कुछ भी पता चले लोकेशन के बारे में तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। ओके सर। जैन सर। ओके जैन। हनुमान, देख लेना भाई। जैन सर, आप शांत रहिए, कुछ नहीं है, सब शांत रहिए, शांत रहिए, शांत ठीक हो जाएगा। हम बताते हैं, थोड़ी देर में बताते हैं। सर, वो बॉडी को पीछे रख दिया है सर, लेकिन आपसे कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था सर? नहीं, वो कुछ बड़बड़ा रहा था बस। दैट्स ओके सर, आई कैन अंडरस्टैंड। सर, 5 साल से कैबिन क्रू हूँ, रोजाना हजारों लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, सो आई कैन अंडरस्टैंड आप मुझे बताना नहीं चाहते, बट सिचुएशन देखकर इतना मैं जरूर समझ गया हूँ कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ कंसर्निंग है। सर, यू कैन ट्रस्ट मी, आई कैन बी ऑफ हेल्प। अहमद, मुझे यहाँ जितने भी पैसेंजर्स हैं उनकी लिस्ट चाहिए। जी सर। हर इस आदमी का सामान चेक करना है मुझे। सर, पैसेंजर्स की लिस्ट तो मैं आपको तुरंत दे दूंगा, लेकिन उसका सामान चेक करने के लिए मुझे कार्गो एरिया में जाना होगा। इट्स गोना टेक टाइम। As soon as possible. Okay. Sure, sir. Please relax. Please relax. Everything is okay. Okay. आप लोग शांत रहिए, शांत रहिए आप लोग। मैं यात्रियों को बताना चाहूंगी। हमें सब जानना है, क्या हुआ उस आदमी को? जी, मैं बताना चाहूंगी कि आप सभी लोग प्लीज शांत रहिए। पेशेंट की हालत स्टेबल है, उन्हें सिर्फ एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, हम उनके प्रिस्क्रिप्शन को ढूंढ रहे हैं। आप लोग प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए ताकि केबिन क्रू आपकी और उस पेशेंट की सहायता कर सके। थैंक यू वेरी मच। अली सर ने बताया था कि लाखों लोग मारे जाएंगे, अगला बॉम्ब 25 मिनट में फटेगा। सर, कैसे ढूंढेंगे उसे? चाहे जैसे भी हो, हमें बॉम्ब ढूंढना तो पड़ेगा। सर, बॉम्ब इलेक्ट्रिसिटी से ब्लास्ट होता है और बॉम्ब ऐसी जगह पे होगा जहां कम एरिया में सबसे ज्यादा भीड़ होगी। लखनऊ में 5 बजे के आसपास सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होती है? सर, 5 बजे तो बच्चों का स्कूल छूटता है और कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस भी। ऐसे पता लगाना मुश्किल है। मीनाक्षी, एक काम करो, इस जैक को फोन करो,
उसे ये पता लगाने के लिए बोलो कि 5 से 6 बजे के बीच लखनऊ में सबसे ज्यादा सेल फोन कहां पे एक्टिव होता है। सर आपने जो नाम दिया था ना उसकी पूरी डिजिटल कुंडली निकाल दी है मैंने। साबिर शेख 34 श्रीनगर वासी है और उसने कुछ दिनों पहले श्रीनगर से लखनऊ की टिकट करवाई थी। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट आज वो लखनऊ से श्रीनगर वापस जा रहा है। बट सर यू नो उसके खिलाफ मुझे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। गुड एकदम नॉर्मल बंदा है सर। जैक वो नॉर्मल बंदा नहीं था। उसने प्लेन में पानी तक नहीं पिया था। उसे जान का डर था समझे। वो शायद लखनऊ से वापस लौट रहा था क्योंकि उसको लगता था कि उसकी जान यहाँ पे महफूज नहीं है। जैक 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 एक काम करो। ओके एयरपोर्ट का सीसीटीवी फुटेज चेक करो टर्मिनल 1। शायद उसने एयरपोर्ट पे कुछ खाया होगा जिससे उसकी मौत हो गई। सर 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 वो मीनू मैम का कॉल आ रहा है। हम मर्जिंग का कॉल। मीनू मैम वो AK-47 सर इन द कॉल। जैक सॉरी सर। हां मीनू मैम व्हाट कैन आई डू फॉर यू मैम। जैक मुझे ये जानना है कि लखनऊ में 5 से 6 बजे के बीच सबसे ज्यादा भीड़ कहां होती है। ओके सेल फोन एक्टिविटी से बता सकते हो। यप आपके लिए एनीथिंग मैम। सर हम लोकेशन जीरो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। गुड पहले अटैक का कुछ पता चला? नहीं सर अभी तक किसी भी टेररिस्ट ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। मीनू मैम ABC रोड सर्कल चौक चौराहा शाम 5 बजे सबसे ज्यादा ट्रैफिक है ना यही होता है। ओके क्योंकि स्कूल एंड ऑफिसेज सबसे ज्यादा यहीं से छूटते तो सबसे ज्यादा क्राउड इसी जगह में होता है। एंड एट इवनिंग 6 o'clock द इंडियन मार्केट्स आर लाइक यू नो खचा खच बिकॉज़ इट्स अ वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग। ओके ओके थैंक यू सर। बॉम्ब की लोकेशंस इतनी सारी है अगर हमें बॉम्ब के बारे में कुछ भी पता चल जाए ना इट विल बी ग्रेट सर। नक्षी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुम लोग भी लगे रहो। यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जैक 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 एक काम करो। यप मुझे लगता है ये साबिर किसी न किसी तरीके से इस बॉम्ब से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में अच्छी तरीके से तफ्तीश करो। मुझे इसके कार्ड के सारी डिटेल्स इसके मोमेंट्स और डिजिटल ट्रेल चाहिए एज सून एज पॉसिबल। ओके ओके बॉस ऑलराइट। हेलो सर साक्षी। हमारे पास वक्त बहुत कम है एक एक करके ढूंढना होगा। ठीक है मीनाक्षी तुम और शंभू तुम लोग इंडियन बाजार जाओगे और सुशांत तुम राजीव को लेके वहां इनको ज्वाइन करोगे इंडियन बाजार में और आप हमारे साथ चलिए। चलो वी डोंट हैव टाइम जल्दी। सर आप एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहे हैं? कोई क्लू लगता नहीं है इसके पास बॉम्ब की कोई इंफॉर्मेशन है। बॉम्ब यहाँ प्लेन में? सर बॉम्ब आप बोल रहे कुछ तो बताइए प्लीज। लखनऊ में 3 बॉम्ब प्लांट किए गए। एक फट चुका है 2 फटने वाले हैं। साबिर ने मरते वक्त मेरे कान में यही बताया था। सर और क्या बताया उसने आपको? ना, कुछ तो नहीं। रहम आरिफ खान आपके लिए किसी जैक का कॉल है। सर बहुत बड़ा क्लू मिला सर। यू विल बी शॉक्ड साबिर की जो टिकट्स है वो AM खान के क्रेडिट कार्ड से परचेस हुई है। इजंट इट वियर्ड? वियर्ड नहीं जैक ये AM खान इन अटैक्स का मास्टरमाइंड हो सकता है। थॉट सो इसीलिए मैंने उसकी लाइफ का पूरा सिटी स्कैन कर डाला है। एंड गेस व्हाट उसका नंबर लखनऊ में था जब तक साबिर लखनऊ में था और उसका लास्ट पिंग फ्लैट में हुआ है। ओह नो सर AM खान अभी की फ्लैट में। खुदा मतलब सारे वक्त वो इस फ्लैट में ही था हमारे साथ है। उसके पास तो बॉम्ब की लोकेशन हो सकती है। पॉसिबल सर। जैक एक नाम नोट करो आरिफ खान। AM खान और साबिर खान के कॉल रिकॉर्ड चेक करो। मुझे लगता है लखनऊ में उनका कोई कॉन्टेक्ट हो सकता है। CIF टीम से बोलो उससे जाके मिले। ऑलराइट सर। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी माफ कीजिएगा मुझे आप सबकी आईडी चेक करनी पड़ेगी। क्यों क्यों दिखाएं हम अपनी आईडी? ये सब क्या हो रहा है कोई बताएगा? देखिए मैम परेशान मत होइए मैं अशफाक अली खान हूँ CIF से मुझे आप सबकी आईडी चेक करनी है। सो व्हाट हैपेंड? मुझे इन सबकी आईडी चेक करनी है तो मेक श्योर वो बंदा इसी प्लेन में है कि नहीं। कौन सा बंदा सर?
प्लेन में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। तो हमारे पास लिस्ट है जिसमें हर पैसेंजर्स की डिटेल्स और उनका आईडी चेक करके वेरीफाई किया गया है। ग्रेट, वो देख सकता हूं। एम खान तो कोई भी नहीं है यहाँ। सर यहाँ कहाँ पे बॉम्ब मिलेगा? और अगर चेक की इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो? जो भी है सिर्फ 5 मिनट है हमारे पास। अजय तुम यहाँ आसपास जाके चेक करो जल्दी। साक्षी जी आपको क्या लगता है ये बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए कितने पावर की जरूरत होगी? सर पहले बॉम्ब ट्रांसफार्मर में फिट था, दैट मींस हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज तो ये हाई पावर यहाँ रोड पे कहाँ पर? सर ट्रैफिक सिग्नल्स में यूज होता है। कौन है अंदर? What happened, officer? It's me. Oh, sorry. सर आप बहुत परेशान लग रहे हैं, थोड़ा पानी पी लीजिए। थैंक यू अंकिता। वी खरे। जी सर, अनीता वी खरे। विनायक मेरे पापा का नाम है। अनीता वी खरे, अनीता विनायक खरे। विनायक खरे। क्या हुआ सर? नहीं सब सब ठीक है, डोंट वरी। सॉरी। हेलो कंट्रोल रूम, मैं इंस्पेक्टर हनुमान पांडे बोल रहा हूँ। यहाँ चौक चौराहे पे जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो सारे बंद होने चाहिए अभी के अभी। हाँ, make it fast. साक्षी जी, बॉम्ब सूट पहन के रेडी हो जाइए आप। AM खान, अहमद मुश्ताक खान, तो तुम ही हो वो, हैं? बहुत खूब एक्टिंग कर लेते हो मियां। हाँ, खान। बचपन से एक्टर बनना था मुझे, लेकिन हमारे मिशन को मेरी ज्यादा जरूरत थी। तबाही से नहीं, मोहब्बत से वक्त करे खुदा के बंदे, क्योंकि मोहब्बत में हर माफी है खुदा के घर, पर दरिंदगी को वो कभी नहीं बख्शता। मेरा मिशन ही मेरा खुदा है। पूरा ही दिमाग खराब है तुम्हारा। कोई बात नहीं, जेल में तुम्हारे लिए दिमाग के डॉक्टर का इंतजाम करा दूंगा। अहमद छोड़ दो उसे, वरना इस लड़की की जान जाएगी। अहमद नहीं। सुशांत राजू को लेके इंडियन बता पहुंच गया है, हमने उसे कहा है बिजली घर ढूंढने के लिए। चंबू जी बिजली घर नहीं, पावर सोर्स। हाँ वही। हाँ जैक। मैम अलीसन ने नाम दिया था साबिर। हाँ। ये साबिर ने आरिफ खान को कांटेक्ट किया होगा। अच्छा, आरिफ लिंक हो सकता है, उसका एड्रेस सेंड कर दिया मैंने आपको। ओके थैंक्स थैंक्स सर। शंभू जी लोकेशन आया, हजरतगंज, यहाँ से राइट। आगे मत बढ़ा, वरना ये लड़की गई। कोई नहीं हिलेगा।
मैं छोड़ दोस्तों, हजारों जाने लेने का बंदोबस्त पहले कर दिया, इसलिए घर की जान से मुझे सबई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं जानता हूँ देशभक्त ऑफिसर तुम्हें जरूर फर्क पड़ेगा। मुजरिम है तू, गद्दार है, देश के संविधान के मुलाजिम। देश के संविधान पे गर्व है हमें, तुम्हारे जैसे लोग हजारों लोगों की जान ले सकते हैं और हम जैसे लोग इस देश पे हजारों बार कुर्बान हो सकते हैं। कुर्बान? अनीता जी से पूछते हैं कि क्या वो इस वक्त इस देश के संविधान के लिए कुर्बान होने को तैयार है? बताओ अनीता जी। हाँ, नहीं हो सकती। अनीता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बस शांत रहो प्लीज। हाँ अनीता जी, शांत रहो ताकि बहुत शांति के साथ मैं तुम्हें मार सकूं। मत ऑफिसर, देखो तुम प्लेन से बाहर तो भाग नहीं सकते, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऑफिसर, तुम खुद मुझे यहाँ से बाहर जाने दोगे, वरना जी सुन रहे हो ना, ये लड़की तो गई। अनीता नहीं जाएगी कहीं, पर तुम गए। क्या मतलब? अनीता, ऐसी सिचुएशन में तुम लोगों को क्या ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ याद है? शंभू जी, एक काम करते, गाड़ी यहीं पार्क करके यहाँ से पैदल चलते, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, पैदल जल्दी पहुंचो। प्लेन में कोई खतरा नहीं है, लेकिन लखनऊ वासियों को खतरा है, उनके लिए दुआ कीजिए। इसकी तलाशी लो। आरिफ खान कौन है? साबिर को मारा कैसे तुमने? उसने तो प्लेन में पानी तक नहीं पिया था। लेकिन सैंडविच तो खाया था ना प्लेन के बाहर। आजकल लोगों को मारना बहुत आसान हो गया है सीआईएफ बाबू। बम का डिजाइन है ना, ये कहाँ लगाया बम? बम तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। लखनऊ पुलिस और सीआईएफ की टीम ढूंढ रही है उसे, समझे? जिस आदमी ने ये बॉम्ब प्लांट किए ऑफिसर, मैंने उसे यहाँ की तलब पहले कर दी है। हेलो आरिफ। हाँ, मैं फ्लाइट के कार्गो से बोल रहा हूँ, पुलिस को पता चल गया बॉम्ब तूने लगाया हुआ है। चौकन्ने रहना, हमारा प्लांट फेल नहीं होना चाहिए। वो तुम्हारी ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होने देगा, जो करना है कर लो। आरिफ खान, नहीं होने देगा वो बॉम्ब डिफ्यूज, सबके सब मरेंगे ये लोग और तुम पुलिस वालों की टीम, हिंदुस्तानी ऑफिसर। सर, बॉम्ब तो कहीं नहीं मिला। हाँ ली सर, ये केबिन क्रू हेड अहमद, ये इन सबसे मिला हुआ है और उसने आरिफ खान को इन्फॉर्म किया है। मुझे लगता है कि बॉम्ब ढूंढने के लिए वो तुम्हारी राह में रोड़ा बनेगा, तुम लोगों को रोकने की कोशिश करेगा, और मुझे उसके पास से बॉम्ब का डिजाइन मिला है। सर, मीनाक्षी गई है उसे पकड़ने के लिए। हाँ सर, पर यहाँ पर ये बॉम्ब नहीं मिल रहा। सर, आपने कहा आपको बॉम्ब की डिजाइंस पता है, कैन यू टेल मी कैसा दिखता है बॉम्ब? देखो, इसके दोनों तरफ बैटरीज हैं, बीच में एक्सप्लोसिव लगा हुआ है और ऊपर कुछ सर्कल है, कुछ मल्टीपल राउंड है, वायर जैसा। कॉइल, मतलब बॉम्ब कॉइल से गर्म होकर एक्टिवेट होता है, जैसे जैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो गर्म हो जाता है ग्रेजुअली। लेट मी कॉल। हनुमान सर, ध्यान रखना, आरिफ खान तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। सर आप फिक्र मत करिए, मीनाक्षी उसके घर पे गई है, उसे पकड़ लेगी। ओके। बैठिए। आदाब। आपका बेटा आरिफ यहाँ रहता है? जी जी, आरिफ यहीं रहता है। कहाँ है वो, जरा बुलाएंगे उन्हें?
पता नहीं कहाँ गया हुआ है, कह रहा था कि किसी बहुत जरूरी काम से जाना है और 6:30 तक लौट आऊंगा। अंकल आपके पास आरिफ का फोटो तो होगा ही? फोटो? हाँ हाँ फोटो है। आखिर बात क्या है? नहीं ऐसी कोई बात तो है नहीं, हम बस उससे मिलने आए थे। आप फिक्र मत कीजिए। शुक्रिया। ठीक। शंभू जी आरिफ की फोटो हर जगह सर्कुलेट कर दीजिए, ट्रैफिक कंट्रोल, न्यूज चैनल्स, हर जगह। हर आदमी को आरिफ की शक्ल पता होनी चाहिए। जैक। यस मीनू मैम। आरिफ की लोकेशन बता सकते हो? चौक चौरा। मैंने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, फाउंटेन भी तो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है। हाँ मीनाक्षी बोलो। सर आरिफ खान की लोकेशन चौक चौराहे के पास है। हे भगवान, यानी अली सर सही कह रहे थे। एक काम करो मीनाक्षी। सर। तुम इंडियन बाजार में जाओ, ठीक है? वहां उस बॉम्ब को ढूंढो, मैं इस आरिफ खान को देखता हूं। जी। अरे साक्षी क्या कर रही हो, हेलमेट क्यों नहीं पहन रही हो? साक्षी साक्षी संभालो उसे। अजय संभालो उसे। मीनाक्षी मैंने ईस्ट का एरिया पूरा कवर कर लिया है, सिर्फ एक इलेक्ट्रिक शॉप थी जिसपे मुझे शक था क्योंकि वहाँ वोल्टेज ज्यादा लग रहा था। जाके देखा लेकिन वहाँ कोई बॉम्ब नहीं मिला। अभी बहुत बड़ा एरिया कवर करना है। राजीव कहाँ है? उसका फोन अनवेलेबल आ रहा है। एक काम करो सुशांत, तुम इस तरफ देखो, हम लोग इस तरफ देखते हैं, ठीक है? और शंभू जी वो राजीव का नंबर स्पीड डायल पे रखिएगा। हेलो मीनाक्षी। सर आई आरिफ ने साक्षी को गोली मार दी है। क्या? और वो यहाँ से भागा है, हम उसका पीछा कर रहे हैं। वो शायद राजीव को मारने के लिए इंडियन बाजार की तरफ आया है। तुम राजीव के साथ ही रहो। ओके ओके सर। ओके मीनाक्षी उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ।
पकड़ो उसे। छोड़ना मत उसे। अरे ये कहां गायब हो गया? हाँ हाँ बोलो। मुझे बॉम्ब मिल गया है यहाँ बलरामपुर हॉस्पिटल में। क्या यहाँ ICU में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, जल्दी आओ। ओके ऑल यूनिट्स सब IMS हॉस्पिटल की तरफ पहुँच। राजीव भाई उसे बॉम्ब मिल गया है, मतलब आरत भी वहीं जा रहा है, सब वहीं पहुँचे। पहले पूरे हॉस्पिटल खाली करो, दोनों चारों तरफ फैल जाओ। इस आरिफ को मैं देखता हूं। सॉरी सर, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। अबे तू मेरा लगाया हुआ बॉम्ब डिफ्यूज करेगा? हाँ मेरे मिशन को कोई नहीं रोक सकता। लाखों लोग मारे जाएंगे अरे। वही तो मैं चाहता हूँ, जब लोग मरेंगे तभी सरकार को हमारी ताकत का अंदाजा होगा और वो हमें तवज्जो देगी। इनोसेंट लोगों को मारने से तुम्हें सरकार इज्जत नहीं बल्कि टेररिस्ट का टैग देगी। हमारे ग्रुप को तुम्हारी सरकार की इज्जत नहीं चाहिए, हम खौफ चाहते हैं। इतना खौफ कि आज के बाद हमसे कोई बदसलूकी ना कर सके। खौफ ज्यादा दिन नहीं रहता है, तू भी जिंदा नहीं रहेगा। राजीव हमें इसकी जरूरत पड़ेगी सर, बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए। छोड़ दीजिए सर। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा अपना मिशन फेल करने में? बॉम्ब फटेगा और तुम सब मारे जाओगे। मीनाक्षी एक काम करो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिस में फोन लगाओ और यहाँ का पावर सप्लाई बंद करवाओ। पावर सप्लाई नहीं रहेगा तो बॉम्ब चार्ज नहीं होगा। जैक। हाँ मैम। बलरामपुर हॉस्पिटल की पावर सप्लाई ऑफ करनी है। क्या? यस डू इट नाउ। ICU में हमेशा बैकअप पावर होता है, तुम पुलिस वालों को हमेशा मारना सिखाया जाता है। मोटी बुद्धि बन गए हो तुम सब। कोई फायदा नहीं पहलवान, बैकअप पावर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से नहीं, बैकअप जनरेटर से आता है। ये तभी बंद होगा जब नॉर्मल पावर वापस आएगा। और हाँ मैंने इसका पावर सप्लाई रेंज बढ़ा दिया था, मेरा बॉम्ब 6 बजे फटने वाला था, अब सिर्फ 5 मिनट में फटेगा। क्या करोगे आप? बचा सकते हो तो खुद को बचा लो।
तो मैंने दूसरे बॉम्ब स्क्वाड के लिए बोल दिया। नहीं मीनाक्षी, हमारे पास उतना वक्त नहीं है, टाइम बहुत कम है, हमें कुछ करना पड़ेगा। अली सर, हेलो जैक, अली सर को कनेक्ट करो अभी जल्दी। ओके। बोल, बॉम्ब डिफ्यूज कैसे होगा बोल। मैंने सिर्फ बॉम्ब बनाया ऑफिसर, इसे डिफ्यूज कैसे करना है वो आदमी जानता है जिसने उसे लगाया है। मैंने बॉम्ब फिट किया है लेकिन बनाया अहमद ने। हम दोनों को आधी नॉलेज है लेकिन हम क्या कर भी नहीं बता सकते। ऑफिसर तभी तो मुझे साबिर को मरना पड़ा, गद्दार हो गया था वो। आपका प्लान चोरी करके उससे कॉपी कर लिया था, काफी मन बदल रहा था उसका। अब पावर सप्लाई रूम में ब्लास्ट होगा, सारा इंडियन बाजार बूम। बचा सकते हो तो बचा लो। हनुमान अब जो भी करना है हमें करना है, तुम हिम्मत मत हारो। मेरा भरोसा जो तुम पे है उस पे भरोसा रखो। अब बॉम्ब तुम्हें डिफ्यूज करना है, मेरे लिए, देश के लिए। मैं कोशिश करता हूं सर। सर ये बॉम्ब कुछ ये पर साक्षी ने जो वायर काटा था उस बॉम्ब में, वो वायर्स और ये वायर्स कुछ अलग ही। सर मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा सर इसमें। हनुमान शांत हो जाओ, शांत प्लीज शांत हो जाओ। शांति से ही हल निकलेगा हनुमान, शांति से। सर सिर्फ 90 सेकंड बचे हैं सर, और इन लोगों के पास भी। हनुमान मेरी बात ध्यान से सुनो, जब जिंदगी में बाहर से कुछ काम नहीं आता ना तो अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए। अंदर की आवाज खुदा की आवाज होती है। भगवान का नाम लो और काट दो। एक मिनट ट्राई करता हूँ मैं। ये वायर यहाँ इस बैटरी से इस पावर ग्रिड से जुड़ा हुआ है। अगर हम ये वायर काटते हैं तो इस बॉम्ब का जो पावर सप्लाई है वो कट हो जाएगा, तो मैं इसे काट देता हूँ। मीनाक्षी तुम बाहर जाओ यहाँ से, मैं देखता हूँ। नहीं सर मैं नहीं जाऊँ। तुम बाहर जाके देखो, ये हॉस्पिटल में जितने लोग थे बाहर गए हैं, नहीं जाओ। सर प्लीज मैं नहीं जाऊँ, यहाँ आपको इस तरह छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये क्या हो रहा है सर? मैंने ये इस बॉम्ब का पावर सप्लाई कट कर दिया, फिर भी ये चार्ज हो रहा है। वायर गरम हो चुकी है पहलवान, बम को अब पावर की जरूरत नहीं, कॉइल उसे एक्सप्लोड कर देगी। सर, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सिर्फ एक मिनट बचा है। हम बचा नहीं पाएंगे, हम फेल हो गए सर, हम फेल हो गए। हनुमान जी लक्ष्मण को बचाने के लिए पूरा पर्वत उखाड़ लाए थे, तुम मेरे हनुमान हो, कोशिश करो। बस अब पिट्ठी पलोगी तेरी है पहलवान। करो करो, क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं होने वाला।
हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सती लोकोदागर राम दूत कुल कुवल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सती लोकोदागर राम दूत कुल कुवल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा हनुमान हनुमान क्या हुआ सर 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 आप ठीक है ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता बम डिफ्यूज हुआ हनुमान हनुमान हाँ सर कोई वायर नहीं काटा फिर भी बम डिफ्यूज कर दिया एकदम हनुमान स्टाइल खुदा हनुमान सर की जय हो जय हनुमान